नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत करता हूँ आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में। और जैसे कि पता है, कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि नेपाल में जो रेल चल रही है जाना गुटू कुर्था, तो कुर्था से आगे की अपडेट दो। मतलब एक भाई ने कमेंट किया था, पहले भी कई सारे कमेंट आ चुके हैं, तो प्रॉपर मैंने उस पर वीडियो बना दिया। और अभी एक नया अपडेट आया है सामने कि जो कुर्था से आगे का जो मतलब फेज है, मतलब सेकंड फेज, तो सेकंड फेज में मतलब काम वगैरह चल रहा था, तो मैं आपको दिखाई, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, या ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरा वीडियो का लिंक, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और बाकी आगे के मतलब मैं बताऊँ, वहाँ से आगे की तो टेक्निकल मतलब जो भी मतलब है इंजीनियर्स वगैरह है वो निरीक्षण कर रहे हैं पटरी वगैरह की, और हो सकता है तो एक सप्ताह बाद वहाँ ट्रायल भी चले, ऐसा मुझे मतलब जानकारी मिली है, तो वहाँ पर ट्रायल भी चलेगा, तो हो सके तो वो वीडियो भी आएगा ट्रायल वगैरह का उधर का। और बाकी ये मतलब था एक अपडेट छोटा सा ही कि कुर्था से आया कि क्या चल रहा है, बाकी हमने प्रॉपर वीडियो बना ही दिया है अगर सारी रेलवे स्टेशन का। हाँ, ये ट्रेन जो चलेगी मतलब कुर्था से, मतलब सेकंड फेज में जो वर्क हुआ है वो कुर्था से सीधापुर भांगा है, मतलब भांगा रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, तो वहीं तक हुआ है, तो अभी फ़िलहाल मतलब वहीं तक चलेगा और बिजलपुरा तक नहीं हुआ है। तो ये है मतलब, क्योंकि कई कह रहे हैं कि बिजलपुरा साइड का बताओ, तो भाई अभी ना बिजलपुरा मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि नदी है वहाँ पे, तो वो उससे आगे बनी नहीं है, बस भांगा तक बना हुआ है। तो वहाँ तक तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना ही दी है, उस रेलवे स्टेशन का भी एक्सप्लोर कर दिया है, तो आप जाइए और वीडियो देखिए। मैं मिलता हूँ सीधा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ सेफ जर्नी।